2004 में आपने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिताया और जब हम चुनाव लड़े थे हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने कहा था अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी तो आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की सरकार बनेगी। हमारे विपक्ष में बीजेपी के लोग थे, एनडीए खड़ा था और उन्होंने भी आपको एक नारा दिया। हमने आपको नारा दिया आम आदमी की सरकार, किसी को याद है उन्होंने कौन सा नारा दिया था? हाँ, इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में नारा दिया इंडिया शाइनिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है? भारत चमक रहा है। अब देखिए, आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, दूर से नारा दे दिया, 5 साल राज किया और कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके घरों में बिजली नहीं थी, घर के सामने सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, शिक्षा नहीं थी और उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग। एक पत्रकार ने उनके बड़े नेता से पूछा, भैया ये अंग्रेजी का नारा है, ये आपको मिला कहां से, कहां से ढूंढ के लाए आप इस नारे को, जानते हो क्या कहा, कहां मिला नारा? हां, जोर से बोलो भाई, सूट का इश्तेहार था, टीवी पे इश्तेहार था सूट का, नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग और उनके सबसे सीनियर नेता ने कहा मुझे इश्तेहार अच्छा लगा, मैंने कहा भैया इस नारे को लगाएंगे चलाएंगे। अब देखिए, पूरे चुनाव में एक बार गरीब शब्द का प्रयोग नहीं किया, गरीबी से शर्माते हैं। जब मैं आपके बीच में जाता हूं, गरीबों से मिलता हूं, हाथ पकड़ता हूं, गले लगता हूं, आपके घरों में खाना खाता हूं, आपके घरों के सामने जो कुआं है, कुएं होते हैं गंदे पानी के से भरे हुए, उसका पानी पीता हूं तो मेरा मजाक उड़ाया जाता है। हमारी सोच है कि इस देश की शक्ति गरीब में है, मजदूर में है, किसान में है और वो लोग आपके बीच में आने से डरते हैं, घबराते हैं और नारे निकालते हैं टीवी से, अंग्रेजी के नारे। सरकार में आए हम, पहला काम क्या किया? अच्छा भैया आपका नाम क्या है, जोर से बोलो, रघुवंश शेखर साई जी, राघवेंद्र शेखर साई जी, सही बोला? अरे सुनाई नहीं दे रहा, मानवेंद्र, धर्मेंद्र जो एक्टर था, एक्टर है, हाँ चलो जो भी है नाम। अच्छा भैया, तो हमने पहला काम क्या किया जब हमारी सरकार आई, यूपीए ने, नरेगा, ये बहुत होशियार है, नरेगा, शेखर साई जी, सर्वेंद्र शेखर साई जी, नरेगा। नरेगा हमने क्यों किया? क्योंकि हम आपके बीच गए, टीवी नहीं देखा, आपके बीच गए, आपके घरों में गए और आपसे पूछा भैया क्या चाहिए, मुश्किल क्या है, क्या बदलना चाहिए। और आप में जो ज्ञान है, आप में जो जानकारी है, उसका हमने प्रयोग किया। आपने हमें बताया कि देखिए
शहरों में आसानी से रोजगार मिल जाता है, जो टीवी देखते हैं शहरों में बड़े बड़े लोग एसी में बैठते हैं उनको आसानी से रोजगार मिल जाता है, गांव में रोजगार नहीं मिलता। आप एक ऐसी योजना तैयार करिए जिससे गांव में रोजगार पहुंचे। आपने बताया हमें और हमने मनरेगा शुरू की, 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन 12,000 रुपए हर हिंदुस्तानी गरीब को जो इस देश के लिए अपना पसीना देना चाहता है उसको हमने इज्जत दी, उसको रोजगार दिया, गांव में रोजगार दिया। और विपक्ष के लोगों ने क्या कहा, वही लोग खड़े हो गए, एनडीए के लोग खड़े हुए पार्लियामेंट हाउस में और क्या कहा, पैसा कहां से आएगा। अब प्रगति हुई है तो आपने की है, पसीना आपका है, खून आपका है। महाराष्ट्र में जाते हो, सड़कें बनाते हो, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाते हो। दिल्ली में आपने मेट्रो बनाई, साईं जी रात को जब दिल्ली सोती है कौन जागता है, यूपी का मजदूर जागता है, पूरी रात काम करता है। साईं जी यूपी के मजदूर के बच्चे कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, झोपड़ी में, यूपी में। ये पैसा आपका पैसा है, ये पैसा आसमान से नहीं टपकता है। हिंदुस्तान में अगर प्रगति हुई है तो आप लाए हो, आपने अपना पसीना दिया, आपने अपना खून दिया, इसलिए प्रगति आई है। और ये पैसा आपके विकास का पैसा है, आपकी प्रगति का पैसा है, शिक्षा का पैसा है, स्वास्थ्य का पैसा है, रोजगार का पैसा है। और जब हम रोजगार का अधिकार देते हैं, शिक्षा का अधिकार देते हैं, सूचना का अधिकार देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, हम सिर्फ आपको अपना पैसा दे रहे हैं। और यहां क्या होता है, हम पैसा भेजते हैं दिल्ली से, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं और आपके यहां पे सरकार क्या करती है, यहां पे जादू का हाथी है, लखनऊ में एक जादू का हाथी है, बहुत अच्छा, किसका पैसा खाता है, किस जनता का, गरीब जनता का, अमीरों का नहीं खाता है, वो किसानों की जमीन छीनता है, किसानों से पैसे लूटता है, बिल्डरों को जमीन देता है। मगर जो पैसा आपका है, आपके पसीने का है, आपका खून का है, आपकी मजदूरी का है, यूपी के किसानों का है, उसको जादू का हाथी खा जाता है। आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, सड़क पर चलता है। मायावती जी ने चमत्कार दिखाया है, पैसे खाने वाले, पैसे खाने वाले हाथी बना दिया है। तीन साल आपने उनकी सरकार, तीन बार आपने उनकी सरकार बनाई, एक तरफ हाथी, एक तरफ हाथी था, दूसरी तरफ साइकिल। अभी मैंने इश्तेहार देखे, उम्मीद की साइकिल, चार बार आपने इन पे उम्मीद की, चार बार ये साइकिल पंचर हुई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। उम्मीद किस चीज की कर सकते हो आप, उम्मीद हाथ के पंजे पे कर सकते हो। मगर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आप उम्मीद दो तीन चीजों की कर सकते हो। पुलिस स्टेशन में आपके एफआईआर नहीं लगेंगे, अंदर क्रिमिनल बैठ जाएंगे, आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, इस चीज की आप उम्मीद कर सकते हो। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अंग्रेजी की, टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर की किसी को जरूरत नहीं है। तो गरीबों को भैया ये हक नहीं होना चाहिए, गरीबों को हक नहीं होना चाहिए कंप्यूटर का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, टेलीफोन का। आपके हाथ में टेलीफोन है,
दिखाओ मुझे एक टेलीफोन दिखाओ। हाँ ये कब मिला, कब खरीदा इसी को आपने? हाँ 2 साल पहले, 2 साल पहले टेलीफोन खरीदा। मगर जिस पॉलिसी ने इस टेलीफोन को इनके हाथ में डाला, ये किस साल में बनाई गई थी? 1985 में बनाई गई थी, राजीव गांधी ने बनाई। और जब मैं 12 साल का था, देखिए जब मैं 12 साल का था नहीं 15 साल का था, तब राजीव गांधी जी ने मुझे बोला, राहुल जिस दिन गांव में हम मोबाइल फोन पहुंचा देंगे उस दिन गांव बदल जाएगा। राजनीति का मतलब यह होता है, राजनीति का मतलब होता है दूरदृष्टि, आगे देखना कि भैया जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज से 5 साल बाद क्या कर सकते हैं, आज से 10 साल बाद क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, स्कूल किस प्रकार से चलाने चाहिए, शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, अस्पताल किस प्रकार से चलने चाहिए, जनता के बीच में जाना होता है।